चार्ल्स का स्टैचू यार। यहाँ नीदरलैंड्स पे मास्टर्स कर रही हूँ, हम यहाँ प्राग पे है और कल स्नोफॉल हुआ था और ज्यादा ही हैपनिंग था। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। सो जो आखिरी दो मंथ थे उसमें मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट की है एंड साथ ही साथ मुझे फुल टाइम जॉब भी मिल गया है, तो मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो यस, वो प्रायोरिटीज थी। तो एंड फिलहाल मैं अभी आ रहा हूँ मेरा वीज़ा लेके। सो जो आफ्टर स्टडी आपको वीज़ा मिलता है वो वीज़ा मुझे मिला है एंड यस लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू एरा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज दिग्विजय भुजबल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज है 24 दिसंबर एंड मेरा हाफ़ वर्किंग डे आज, मतलब कंपनी से छुट्टी है और फिर मैं हूँ मेरे हॉलीडेज़ पे। 8 दिन के लिए मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ। तो लास्ट वैकेशन पे मैं गया था इटली के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा मैं स्टोरीज डालता ही रहता हूँ हमेशा। वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के डालना ईजी होता है, जस्ट फ़ोन निकालना है, 15 सेकंड के स्टोरी बनानी है और डाल देना है। एंड यस सो आई एम एक्साइटेड। फिर मैं अभी काम के लिए निकलूँगा, 12 बजे तक काम है और मेरी 1 बजे प्राग के लिए ट्रेन है। तो मिलते हैं काम करने के बाद। वेलकम टू द प्राग। क्या करने वाले हम प्राग उतर के? मेन स्टेशन से उतर के अब सीधा बाहर जाना है और बाहर जाके हमें ट्राम पकड़नी है। ओके ठीक है, तो वो ट्राम डायरेक्टली होटल के सामने जाके रुकेगी। ओके कूल। सो गाइड शंतनु, दिस इज प्राग सेंट्रल स्टेशन। तो ये मशीन है यहाँ पे हमें डे टिकट का कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो शंतनु ने और मैंने ये 90 मिनट्स का टिकट निकाला है। कुछ दो लोगों के लिए कितना था? 80। हाँ दो, एक्चुअली एक पर्सन के लिए 90 क्रोनास था, बट अभी दो लोगों का लिया तो उन्होंने 80 क्रोना में दे दिया। गुड फॉर 90 मिनट्स। तो अभी हम सिर्फ होटल में जाने के लिए सोच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं सोच रहे हैं। वहाँ पे जाके बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं।
कितनी मिनट की वॉक है शंतनु? पाँच मिनट की वॉक है यहाँ से सीधे जाके एक ट्राम पकड़नी है। ओके, सो ट्राम पकड़ेंगे। इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट है पढ़ने में भी और प्रोनाउंस करने में भी। कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे पुराने रोड से यहाँ पे मेरे बैग का तो व्हील ही निकल जाएगा एक, मैं ऊपर से ही चल रहा हूँ। सो जब आप नए सिटी में घूम रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको पता नहीं होता है, तो गूगल मैप आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, कभी कहीं पे भी जाओ। सो मेरा दोस्त शंतनु आपको बताएगा कि गूगल मैप पे कैसे आप सर्च करते हो और कैसे आप इजीली कौन से भी अननोन सिटी में घूम सकते हो। सो शंतनु, हम इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो लोकेशन है अपना करंट लोकेशन दिखाया हुआ है, ठीक है, तो हम जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर वहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे तुम जहाँ खड़े हो वो लोकेशन का सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है गोल्ड, और वहाँ से जो भी ट्रेन जाने वाली उसकी सब इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी हुई होती है। अभी मैप पे यहाँ पे आपको ट्रैम्प नंबर 3 पकड़नी है। यस, ट्रैम्प नंबर 3 है, उसका नाम जो भी है आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद ट्राम के अंदर भी सब बोर्ड वगैरह लगे हुए रहते हैं। गुड। तो उसके हिसाब से जो हमें जो स्ट्रीट पे जाना है वहाँ पे आप उतर जाएंगे। नाइस, सो इट्स प्रीटी इजी। गुड, गूगल मैप यूज करो अच्छे से। यस, तो बस एक बात का ध्यान रखना कि ये अपोजिट साइड में ना खड़े हो जाइए, बस नंबर 3 देख के, वो भी इम्पोर्टेंट है। गुड, हम लोग अभी ट्रैम से आ गए हैं और अब हम छोटी सी वॉक करेंगे। हमारा होटल यहाँ पे नज़दीक ही है, इस डायरेक्शन में। अभी हम आ चुके हैं, ये हमारा होटल है 3 दिन के लिए, होटल ओलंपिक। सो वी आर हियर फाइनली। होटल फॉर 3 डेज। विच वन इट इज? 1109। देयर यू गो, 1109। Not bad for 2 people. Okay, so मैं अभी बाथरूम दिखाता हूँ। हेयर ड्रायर ऑफ कोर्स, मिरर, वॉश बेसिन, कूल। नाइस, ओके। इज इट लॉक? ओह ओके, वेर आर यू पीपल, पीपल ऑफ प्राग, वेर आर यू? सो अब हम फ्रेश होके खाना खाने आ चुके हैं ये रेस्टोरेंट। और शंतनु तो क्या चेक कर रहा है अभी? करेंसी काउंट का मिक्स रेट चेक कर रहा हूं। ओके, रेट चेक कर रहा है। गुड गुड, क्योंकि जब 7-8 दिन की ट्रिप होती है तो बजट का ध्यान रखना पड़ता है। एंड शंतनु इज डूइंग गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू शंतनु।
It is -1°C in the Prague right now. Good morning from Prague. So, कल रात हमने इंडियन रेस्टोरेंट जाके खाना खाया. कुछ आसपास दिख भी नहीं रहा था जहाँ पे जा सके खाना खाने के लिए. तो एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, अच्छा है प्राग में, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अगर किसी को खाना है प्राग में आके इंडियन रेस्टोरेंट में जाके. अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड सुबह का होटल का फ्री का ब्रेकफास्ट हम कभी मिस नहीं करते, सही है, गुड. तो कल रात हम क्लब के लिए जाने वाले थे, कल रात का बस यही प्लान था क्योंकि हमारे दो दोस्त आने वाले आज नीदरलैंड से. तो हमने सोचा था कि बस हम दोनों हैं तो क्लब के लिए जाएं, लेकिन कल हमें एक बात सीखने को मिली कि यहाँ पे 24th और 25th को कभी भी क्लब्स क्लोज होते हैं. सो अगर आप आएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्लब्स यहाँ पे क्लोज रहते हैं 24th एंड 25th को. और कुछ सीखा शंतनु, कुछ बोलना चाहेगा? एक्चुअली 26 को भी डेट दिखे हुए, बट वी विल टेक आवर चांसेस. या सो यप, अभी का प्लान ये है कि अभी हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारे दोस्त आएंगे तो हम शहर घूमेंगे. सो ब्रेकफास्ट एरिया है. I think Shantanu, you are picking wrong plate. This is for only that thing. यहाँ पे सुबह सुबह इतने लोग हो गए, हमने सोचा ही नहीं था ब्रेकफास्ट के लिए. मतलब 8:30 टाइमिंग हुआ है बस एंड हमने लिए मोस्टली चीज एंड ब्रेड्स, वन एग, वन कैपेचिनो एंड स्लाइस ऑफ केक. सो गुड एन एपेटिट शंतनु. लुक हु आर हियर. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. Start of the old city town. Indibita. We will go walk through the old city center. We'll go to the city square. You can speak Hindi. I say. No, just English. And hum yahan pe. She can try. Okay, hum yahan pe old city square mein aa chuke hain. ठीक है, हम तो ओल्ड टाउन वॉक करेंगे, पुराने बिल्डिंग देखेंगे और उसके बाद हम चार्ल्स ब्रिज देख के कैसल टुवर्ड्स कैसल वॉक करेंगे. ओके, कूल, स्टे ट्यून्ड.